शहर में अतिक्रमण जाम को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत भी अभियान चला। कमिश्नरेट पुलिस ने थानावार तरीके से क्षेत्रों में अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने स्वयं सड़क पर उतरकर जाम को मुक्त कराया। वहीं शहर के व्यस्ततम इलाके गुदौलिया, दशाश्वमेध, बास फाटक, मदनपुरा, गिरजाघर आदि क्षेत्रों में अभियान चला। उन्होंने अतिक्रमणकारी दुकानदारों को चेतावनी जारी करते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। चलिए कर लीजिए, अंदर कर लीजिए आप लोगों को। देखिए एक बार अंदर करके अपनी व्यवस्था बना लीजिए, कल अपना हम डिस्टर्ब करेंगे ना आप होंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए हम हटाए तो मार्को को नहीं अच्छा लगता, ये पूरा खाली रहेगा। वहीं लंका और चितईपुर क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने में पुलिस की अहम भूमिका देखी गई। लंका थाना और चितईपुर थाना क्षेत्र में रोज जाम लगता था। पिछले कई वर्षों से दुकानदार यहां पर सड़क किनारे आधे सड़क को अतिक्रमण कर सामान बेचते आ रहे थे, जिसके चलते आम राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंगलवार को कई थानों की फोर्स खड़े होकर इन दुकानदारों को सड़क से खदेड़ दिया। एकाएक हुई इस कार्रवाई से दुकानदार घबरा गए, वो काफी मान मनौवल करते रहे। अतिक्रमण को हटाते देख क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे उचित ठहराया। लंका थाना के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा, एसीपी धनंजय मिश्रा, डीआईजी एस चिनप्पा पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाते नजर आए। वहीं चितईपुर थाने के दरोगा पंकज पांडे अपने दल बल के साथ चितईपुर से लेकर कंचनपुर तक अतिक्रमण हटाया। जो ये व्यापारी हैं बड़े ही अच्छे हैं और सपोर्टर हैं। कुछ लोग वैसे वाले हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए जानते हैं कैसे ठीक करना है। भैया तो इनका पैसा दे दो, गरीब आदमी वापस कर दो। ये जो लोग भी गाड़ियां इधर उधर खड़ी कर रखे हैं इनको यहाँ ला करके खड़ी कराइए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने दीजिए। भाई अगर जिसकी दुकान है आ जाए तो अभी भी समय है, जिसकी दुकान है अभी भी समय है, चाहे तो हटा सकते हैं। जिसकी दुकान है चाहे तो अभी समय हटा सकते हैं। दे दीजिए जल्दी जल्दी।